Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to do NCERT in text questions. Aaj hum karenge in text questions. NCERT, you know, it's very very important. We have covered the basics. हमने इससे पहले basics जो थे उनको समझा, topic wise हर point को clear किया. So here we are on this question number one. Question number one, why should a magnesium ribbon be clean before burning it in air. देखो क्या सीखा हमने कि जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं, ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं, उसको जलाते हैं, और जलाने पर वो मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, वाइट पाउडर की फॉर्म में आ जाता है, वाइट पाउडर की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है. तो क्या कहता है ये कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, राइट. अब क्वेश्चन कहता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, राइट, उसको क्लीन किया जाता है. क्यों किया जाता है, तो मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर टू रिमूव द लेयर. ये कहता है कि ये जैसे ही जो ये मैग्नीशियम रिबन होता है, क्योंकि ये एयर के कॉन्टेक्ट में होता है, तो इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है. किस चीज की लेयर होती है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की. तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए ही क्या किया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है. Right. Now here, next. Next is, write the balanced equation for the following. आपको क्या करना है, balanced equation लिखनी है, ठीक है. So let's do this. So it is here H2 hydrogen. कितना होता है बेटा H2. Chlorine कितना होता है Cl2. Then it will give you हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है HCl. अब आप कहोगे मैम हाइड्रोजन सिंपल क्यों नहीं लिखा, तो बेटा देखो हाइड्रोजन हमेशा क्या करेगा, डायटोमिक होता है. तो डायटोमिक मतलब क्या कि मैम H2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, राइट. तो हम कह रहे हैं H2 में Cl2 को ऐड किया और क्या बन गया आपका HCl. यहाँ भी टू है, दो हाइड्रोजन है, दो क्लोरीन है, देन वी मल्टीप्लाई दिस विद द टू. गॉट इट, ठीक है, बैलेंस्ड. नाउ नेक्स्ट इज बेरियम क्लोराइड क्या होता है BaCl2. मैम BaCl2 ही क्यों बना, देखो हम लेते हैं बेरियम को और हम लेते हैं क्लोरीन को, तो बेरियम की वैलेंसी होती है -1, इसकी वैलेंसी होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आपका BaCl2, राइट. नाउ BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम फॉस्फेट, तो Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर याद है ना, कितना होता है 13, तो पहले जाएगा 2, फिर आएगा 8, फिर आएगा 3, ठीक है. तो एल्यूमिनियम कितना आ गया हमारा +3. सल्फेट कितना होता है याद करो, 2-, तो माइनस का 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया Al2SO4 होल थ्राइस, ये आ गया. अब आप चेंज करो, चेंज कैसे करेंगे, बेरियम किसके साथ अटैच होगा, सल्फेट के साथ, तो BaSO4, राइट, ठीक है. एल्यूमिनियम किसके साथ जाएगा, क्लोरीन के साथ, तो AlCl3 ही क्यों मैम, एल्यूमिनियम क्लोराइड है ना बेटा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम कितना होता है, अभी हमने डिस्कस किया +3, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर याद करो 17, तो इसको पूरा होने के लिए -1 चाहिए, एक और चाहिए, तो माइनस का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दैट इज AlCl3, तो ये आ गया, ठीक है. दोबारा देखो, वी आर डिस्कसिंग अबाउट बेरियम क्लोराइड, तो दिस इज BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, राइट. नाउ इट विल गिव यू व्हाट, इट्स BaSO4 एंड प्लस वी हैव एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये है मेरे पास. अब आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, ये तो हमारा फॉर्मूला बना, अब हम इसको बैलेंस करेंगे. तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझो, हम सबसे बड़ा फॉर्मूला ले लेते हैं. सबसे बड़ा फॉर्मूला देखो ये है Al2, दो एल्यूमिनियम है ना, मल्टीप्लाई हेयर विद द 2, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, राइट. कितने एल्यूमिनियम हो गए, 2. क्लोरीन देखो 3 × 2 = 6, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से, 3 × 2 = 6, बैलेंस्ड. सल्फेट SO4 कितना है, थ्राइस, तो किससे मल्टीप्लाई करें इसको, 3 से. बेरियम यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है. क्लोरीन 6 है, यहाँ भी 6 है. सल्फेट कितने हो गए थे अभी हमारे, कितने हो गए थे, 4 × 3 = 12, यहाँ पर भी 4 × 3 = 12, बिल्कुल बैलेंस्ड, राइट.
नाउ कम टू द नेक्स्ट ईयर, सोडियम प्लस वाटर. सोडियम क्या होता है याद करो, सोडियम क्या होता है Na, सोडियम क्या होता है Na प्लस प्लस वाटर. वाटर क्या है H2O, तो जब इसको मिलाओगे तो क्या कहता है एन, क्या बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड OH, OH प्लस प्लस क्या देगा ये हाइड्रोजन, H नहीं, क्या बनेगा H2. अब बताओ बैलेंस करना है हमारे को. सबसे बड़ा फॉर्मूला देखो क्या है यहाँ पर, ये देखो चेक करो. ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर O, एक है, यहाँ भी कितनी है एक. हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर दो, बट यहाँ कितना है तीन, है ना. तो तीन को बैलेंस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं टू से, तो टू और टू कितना हो गया बेटा फोर. अब हाइड्रोजन अगर फोर है तो टू मल्टीप्लाई कर देंगे, टू टू जा क्या बन गया फोर. ऑक्सीजन कितना बन गया टू, यहाँ भी कितना है टू, और सॉरी सोडियम कितना है यहाँ पर टू, तो मल्टीप्लाई इट विद टू. ठीक है, तो दिस इज बैलेंस ना, राइट, गॉट इट. नाउ हियर कम टू द नेक्स्ट, राइट बैलेंस्ड इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. नाउ हियर व्हाट इज गिवन टू अस, क्या क्या गिवन है आपको बताओ. हियर सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, देखो सॉल्यूशन क्या दे रखा है बेरियम क्लोराइड का, BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट. सोडियम सल्फेट क्या होता है बेटा Na2SO4, बात वही है. आप कहोगे मैम Na2SO4 ही क्यों बना, NaSO4 क्यों नहीं बना. ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर बेटा याद करो 11 होता है, 11 को डिवाइड करो 281 में. सल्फेट SO4 इसको डिवाइड करते हैं -2, तो इसको इससे, इसको इससे, तो क्या बनेगा Na2SO4, क्या बन गया Na2SO4. आर यू गेटिंग इट. ठीक है, नाउ हियर, नाउ हियर एक्सचेंज BaSO4. Ba किसके साथ चला गया SO4 के साथ, और Na किसके साथ चला गया Cl के साथ. Na2Cl नहीं होता, Na2Cl2 कुछ नहीं होता. क्यों नहीं होता देखो, Na एटॉमिक नंबर 11 तो मैम +1, क्लोरीन होता है 17, 287, तो लास्ट में क्या बचा -1. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा NaCl, लेकिन यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी दो है, तो मैम 2 से मल्टीप्लाई कर दो. किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 2 से. ठीक है, तो हेयर वी हैव BaCl2, Na2SO4, BaSO4 एंड 2A2NaCl. नाउ लेट्स सी बैलेंस और नॉट. Ba बेरियम 1, यहाँ भी 1. क्लोरीन के कितने बेटा 2, यहाँ भी क्लोरीन के कितने हैं 2. सल्फेट कितना है 1, यहाँ भी सल्फेट के कितना है 1. तो हेयर वी सी दैट ऑल आर बैलेंस्ड, सो इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट. नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम होता है Na, हाइड्रोक्साइड होगा OH, रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक होता है बेटा HCl, विच गिव्स प्रोड्यूस NaCl, NaCl प्लस H2O. ठीक है, H2O. नाउ सी जिप बैलेंस, Na Na बिल्कुल सही, क्लोरीन क्लोरीन बिल्कुल सही, OH OH देखो कैसे रिएक्ट कर रहा है, OH H के साथ मिल रहा है, तो मिलकर क्या बना रहा है बेटा H2O. ठीक है, H2O जिसको हम क्या बोलते हैं वाटर. ये क्या ले रहे हैं हम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड. ठीक है, नाउ हियर लेट्स सी दिस, नाउ लेट्स सी दिस हियर क्वेश्चन नंबर 4. अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग. क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक सॉल्यूशन है उसको यूज करते हैं, किस चीज के लिए यूज करते हैं बेटा, व्हाइट वॉश के लिए, व्हाइट वॉशिंग के लिए. ठीक है, नाउ हियर नेम द सब्सटेंस, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो व्हाइट वॉश के लिए यूज होता है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड. और कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या होता है बेटा, क्विक लाइम. याद कर लो तीनों के तीनों, तीनों तीनों कौन थे मैम, देखो सबसे पहले होता है CaO, जिसको बोलते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम. ठीक है, अब अगर ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो हम कह रहे हैं ना व्हाइट वॉश के लिए यूज होता है, उसको अगर वाटर के साथ धीरे धीरे अगर क्या करते हैं ऐड करते हैं, इट विल गिव यू CaOH होल ट्वाइस. इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको क्या बोलते हैं, नाम देते हैं स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम, राइट. दूसरी चीज याद रखो कि अगर ये हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दें, CaOH होल ट्वाइस अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसलिए बता रही हूँ,
तो दिस विल गिव यू सी ए सी ओ थ्री प्लस, यहाँ पर हमारा एच टू अलग हो जाता है, ठीक है. तो सी ए सी ओ थ्री दैट इज वट, इसको बोलते हैं लाइम स्टोन, ठीक है. तो ये आप समझ रहे होंगे जो भी मैंने बताया क्या क्या. सब्सटेंस एक्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, कैल्शियम ऑक्साइड. क्विक लाइम फॉर्मूला याद रख लो बेटा, सी ए ओ. सी ए ओ अगर वाटर के साथ ऐड होता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड. नाउ हियर कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी दिस. देखो एक्टिविटी याद करो, सबसे पहले हम बात करते हैं 1.7 की. 1.7 एक्टिविटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या लेंगे, हम क्या लेते हैं, एक टम्बलर ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है. उस टम्बलर में हम क्या ले लेते हैं, दो टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं ऐसे करके, ठीक है. एक होती है क्या एनोड और एक होती है क्या कैथोड. एक तरफ सबमिट होता है हमारा क्या हाइड्रोजन और एक तरफ क्या होता है ऑक्सीजन. अब ये जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस. क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर. जब वाटर बनता है किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. बिना इलेक्ट्रिक करंट के आप उसको बना ही नहीं सकते, ठीक है. हम कहते हैं क्या कि हमारा H2O बनेगा, ठीक है. अब ये जो H2O जो होगा वो H2O ब्रेक होता है. H2O ब्रेक होता है तो क्या देता है, एक H2 देता है और एक क्या देता है, O2 देता है. एक हाइड्रोजन और दूसरा क्या देगा, ऑक्सीजन. अब हमने कहा कि जैसे हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे ना, तो एक टेस्ट ट्यूब ये थी, एक टेस्ट ट्यूब ये थी, ठीक है. तो क्या कहते हैं, तो वाटर डिकम्पोज टू फॉर्म, वाटर टूटेगा और क्या देगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. इसका रेशियो क्या बनेगा, 2:1. देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या बनता है बेटा, 2:1. कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बनते हैं यहाँ पर, कितने अमाउंट बनता है, 2. और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना बनता है, 1, ठीक है. तो जो हाइड्रोजन सबमिट होती है, हाइड्रोजन जो डिपॉजिट होती है इट इज डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. ये डबल होती है किसके, जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है उसके, ठीक है. ऑल्सो दिस इज क्लियर टू यू. नाउ हियर कम टू नेक्स्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट. देखो बेटा समझते हैं क्वेश्चन को क्या कहते हैं. देखो हम क्या कर रहे हैं, मेनली हम कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, ठीक है. अगर आप समझेंगे ना रिएक्शंस को स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा. तो सबसे पहले हमने करा था क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम क्या सीखा, जब एटम्स या फिर कंपाउंड्स या एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और क्या दे देते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस देते हैं. सिंगल अगर कोई सब्सटेंस बनता है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्या बोलते हैं उसको, कॉम्बिनेशन, ठीक है. दूसरा हमने पढ़ा था क्या, पढ़ा डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का टूटना. अब आप कहती हो मैम एक सिंगल सब्सटेंस देते हैं हम आपको, सिंगल सब्सटेंस, ठीक है. अब आप तोड़ोगे तो दो तो बनेंगे, इधर बनेंगे. तो हम कहते हैं सिंगल सब्सटेंस क्या होगा, दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है. तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन. तीसरा जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट. कौन सा होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है भाई, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो याद रखो जब मान लो जैसे ये मान लेते हैं ये सेटिंग्स है, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे सिमेट्रिक है, ठीक है. अब आप बताओ क्या देखते हो आप, कि मान लो आप क्लास में दो बच्चों को देखते हो, ठीक है. दो बच्चों को कैसे देखते हैं बेटा, हम ये कहते हैं एक बच्चा दूसरे से ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा कह सकते हो पहलवान है या फिर ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसकी, ठीक है. तो ऐसे ही बोल देते हैं. तो क्या करेगा वो, जो थोड़ा वीक बच्चा होगा उसको हटाएगा और अपने आप आ जाएगा, ऐसे ही तो होगा, ठीक है. ये मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है, वीक है. तो स्ट्रॉन्ग बच्चा क्या करेगा, वीक बच्चे को हटा देगा. सेम एज इट इज डिस्प्लेसमेंट पे होता है. सेम एज इट इज किस में होता है, डिस्प्लेसमेंट में होता है. क्या होता है डिस्प्लेसमेंट में, याद करिए कि जो भी मोर रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस करता है,
डिस्प्लेस करता है। क्वेश्चन को समझाने से पहले पता होना चाहिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट रट्टा नहीं लगवा सकती, आपको हमेशा कंसेप्ट को समझना है फिर क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, क्या कहा, जो मोर रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस करेगा किसको बेटा, लेस रिएक्टिव वाला, कमजोर वाला हट जाएगा, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। राइट नाउ हियर व्हाट वी ऑब्जर्व, मान लो मैम हमें ये तो पता चल गया कि मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव वोट आएगा, लेकिन कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है? तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज। व्हाट वी ऑब्जर्व है रिएक्टिविटी सीरीज। व्हाट इज इन दिस रिएक्टिविटी सीरीज, क्या देखते हैं हम कि हमारे पास कुछ मेटल्स हैं, ठीक है, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, राइट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, कार्बन, देन जिंक, देन आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, राइट, गोल्ड। तो ये है। अब क्या कहता है, जो सबसे ऊपर है ना वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, ठीक है, मोर रिएक्टिव है, और जो सबसे नीचे था गोल्ड वो सबसे कम रिएक्टिव था। मतलब मैम यहाँ से लेकर यहाँ तक में रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो जा रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है, क्या हो जा रही है, डिक्रीज। ऐसे भी कह सकते हैं लिस्ट रिएक्टिव से मोर रिएक्टिव जा रही है मैम, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मैम ये कैसे याद करना है, लेट्स लर्न इट। तो इसके लिए हम याद कर लेते हैं, एक ट्रिक है मेरे पास, उसको याद करो, क्या है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा, Instead, try learning how copper saves gold. ठीक है, दोबारा देखो, please stop calling me a careless zebra. Please, P का मतलब क्या है यहाँ पर, potassium, S sodium, calling, calcium, me magnesium, right? Right now here, then we say here A aluminium, then carbon, zebra, zinc, instead iron, then like this it is going, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया बेटा, यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारे पास क्या आ रहे हैं, सारे के सारे मेटल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, कहता है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नेल इज डिप। कॉपर कहाँ है देखो, इसको डब कर देती हूँ मैं, इसको डब कर देती हूँ मैं। तो हमने कहा कि हमारा कॉपर कहाँ है, कॉपर और आयरन के बीच में रिएक्शन हो रही है, ठीक है, ये देखो कॉपर सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है, दिस इज कॉपर सल्फेट CuSO4। अब हमारे पास आया आयरन, ठीक है, तो आयरन देखो कहाँ पर है बेटा, ये रहा, ठीक है, और दूसरा जो कॉपर है वो कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, ये, तो मैंने क्या कहा, जो ज़्यादा रिएक्टिव वाला आएगा और धक्का देकर क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को हटा देगा, तो यहाँ बन जाएगा हमारा FeSO4 और साथ में कॉपर अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, ये चीज़ अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, तो मेरे पास आ गया FeSO4 और साथ में कॉपर, आर यू गेटिंग, ठीक है। तो क्या कहा इसने, व्हाई डज द कलर चेंजेस, क्योंकि हमने लिया क्या था, कॉपर सल्फेट, ठीक है, और इसने इसको डिस्प्लेस किया, कॉपर ने डिस्प्लेस किया, ठीक है, तो कॉपर जैसे ही आयरन डिस्प्लेस करेगा और आयरन डिस्प्लेस करके क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट विल गिव द कलर, और इसी वजह से क्या मिलेगा, कलर। तो ब्लू कलर चेंज हो गया किसमें, लाइट ग्रीन में, ब्लू कलर चेंजेस टू लाइट ग्रीन। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि मैम ऐसा क्यों हुआ, यही क्यों हुआ, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से मोर रिएक्टिव ये था और इसने डिस्प्लेस कर दिया। अब ऐसे भी तो आ सकता है क्वेश्चन कि दैट वी आर टेकिंग आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, आता है ये क्वेश्चन, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, विद जिंक, ठीक है, सॉरी कॉपर ले लेते हैं, कॉपर, ठीक है, कॉपर। तो इफ वी डिसॉल्व दिस कॉपर नेल इनटू आयरन सल्फेट, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा आप बताओ,
आप बताओ क्या होगा, क्या होगा? नो रिएक्शन। कई बच्चे कहेंगे मैम यहाँ पर कॉपर डिस्प्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट। नहीं बेटा ये बिल्कुल नहीं होगा। देखो हम कह रहे हैं हमारे पास है FeSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। अब वो किसके साथ बैठेगा, ये किसके साथ बैठेगा, मोर रिएक्टिव के साथ। अब आयरन तो पहले ही ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ज्यादा स्ट्रांग कौन है, आयरन, क्यों छोड़ेगा अपनी जगह, है ना। सो देयर विल बी नो रिएक्शन। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, राइट, क्लियर। सो दिस इज हियर, द ट्रिक दैट हाउ विल डू द डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर क्या रहा था, एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा था, तो इसीलिए सिंगल एलिमेंट था ना जो इधर उधर जा रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता, ठीक है। जो मैं भी बता रही थी उसको क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अभी मान लो ऐसा होता ए बी प्लस बी सी डी, ठीक है, और हम कह रहे हैं ए किसके साथ जा रहा है, डी के साथ, ए डी के साथ, और फिर बी और सी तो अकेले रह गए मैम। मैं कह रही हूँ बी सी के साथ चला जाएगा, बी सी के साथ चला जाएगा, तो हम कह रहे हैं कि दोनों के दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं। दोनों के दोनों क्या हो रहा है बेटा, इंटरचेंज। अगर दोनों के दोनों इंटरचेंज हो रहा है तो क्या ऐसा होगा कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगी, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। देखो एक जाता अपनी जगह छोड़ के तो हम कहते हैं उसको क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ तो हम उल्टे कह रहे हैं, कह रहे हैं ए डी के साथ है, बी भी जा रहा है, बी भी जा रहा है, तो इट मीन दो जगह चेंज हो गई, टू प्लेसेस चेंज हो रहे हैं, और इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। व्हाट वी कॉल्ड इट, डबल डिस्प्लेसमेंट। होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। चारों पॉइंट थे वो भी क्लियर हो गए, साथ में क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ये नहीं ये क्वेश्चन आए तो तब कर सकते हैं, है ना। तो याद रखना कि हर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। नाउ हियर कैन यू सी दिस क्वेश्चन, देख सकते हैं आप, आपके पास क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको क्या देना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देना है, ठीक है। सो हियर गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी दिस। सो वट इज इन दिस रिएक्शन, आप देखें क्या क्या दे रखा है। इट इज हेयर ए जी एन ओ थ्री, इट इज हेयर क्या है, ए जी एन ओ थ्री। अभी डबल डिस्प्लेसमेंट बताया था, ठीक है, तो उसी के बिहाफ पर आपको काम करना है। हमारे पास था क्या, ए जी एन ओ थ्री। ए जी एन ओ थ्री किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा, एन ए सी एल के साथ, ठीक है, एन ए सी एल के साथ। सो नाउ हेयर वट वी विल डू, दिस विल डिस्प्लेस, एक दूसरे से क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। कैसे डिस्प्लेस करेंगे, ये ए जी जो होगा वो सी एल के साथ जाएगा, ए जी जो होगा वो किसके साथ जाएगा, सी एल के साथ जाएगा, सिल्वर क्लोराइड, क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड। और जो एन ए होगा वो किसके साथ जाएगा, एन ओ थ्री के साथ, सोडियम नाइट्रेट बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट। दोबारा देखो, जब भी जो ये होते हैं ये एक्सचेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट। हमने कहा ए जी एन ओ थ्री है और साथ में है सोडियम क्लोराइड, तो एक जगह नहीं बदलेगा, ए जी नहीं बदलेगा, ए जी सी एल के साथ जाएगा और क्या बनाएगा, सिल्वर क्लोराइड। और एन ए किसके साथ जाएगा, एन ओ थ्री के साथ, एन ए एन ओ थ्री। तो फ्रॉम हेयर व्हाट वी सी, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। व्हाट इज दिस, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। NNO3, दिस इज सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल फॉर्म द रिएक्शन, इस तरह से हम क्या करेंगे, रिएक्शंस को करेंगे, गॉट इट, ठीक है। नाउ हियर usually the double displacement reaction these are precipitate reaction, याद कर लो बेटा, क्या बनती है यहाँ पर, precipitate बनती हैं, precipitate, ठीक है। तो यहाँ से हमने कहा कि जब भी आपके पास double displacement होगी तो अगर कोई पूछे आपसे कि precipitate बन रहे हैं तो वो हमेशा double displacement में ही होंगे, right? Now here this is our eighth question, identify the substance। देखो क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड
एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड, कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हैं और कौन से ऐसे जो सब्सटेंस है जो कैसे हैं रिड्यूस. सो हाउ टू फाइंड इट, कैसे पता चलेगा बेटा? देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, कंसेप्ट को समझो और फिर उसके बाद क्वेश्चन को समझ लो. ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन राइट. सेम एज रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इट इज हेयर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल किसका होता है बेटा, ऑफ ऑक्सीजन. राइट नाउ हेयर इन दिस कैन यू सी सोडियम ऑक्सीजन, तो क्या बना Na2O. अब देखो बेटा ध्यान से समझना जो मैं बता रही हूँ, क्लियर करो. यहाँ पर ना तो ऑक्सीजन है मैम ना हाइड्रोजन है ना, या तो है वैसे तो अगर आप देखो तो समझ में भी आ जा रहा है कि सोडियम को ऑक्सीजन मिली तो हम कहेंगे कि अगर सोडियम को ऑक्सीजन मिलती है तो उसके अंदर क्या प्रोसेस हुआ, ऑक्सीडेशन का. क्या प्रोसेस हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन. यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन का. दूसरा यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में लें तो सोडियम, देखो सोडियम के पास हमने कहा हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 2, 8 और 1. अब ये जो 1 है ये एक्स्ट्रा है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा. कैसे देगा ये देखो, सोडियम गिव्स Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन. अब मैम 1 तो नहीं है, 4 है, तो यहाँ 4 लगाओ, ये भी 4 लगाओ और यहाँ भी क्या आएगा, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन अलग हो गए. ठीक है राइट. सेम ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन को 4 इलेक्ट्रॉन ये जो देगा वो ले लेगा. ठीक है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2O2 नेगेटिव. अब देखो जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उनके ऊपर होता है पॉजिटिव साइन. इलेक्ट्रॉन अगर लूज करे तो कैसा साइन होगा, पॉजिटिव. और अगर क्या करे, कोई भी इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो उसके ऊपर हमेशा क्या होता है, नेगेटिव. तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन. क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन. एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, रिडक्शन. ठीक है तो यहां से ये बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन और ये क्या बोल रहे हैं हम, रिडक्शन. तो यहां पर हमने कहा कि हमारे पास क्या है, 2 रिएक्शंस है. बाद में बात यहाँ से देखेंगे C2O और यहाँ से हमारे पास है H2, दैट विल गिव यू Cu प्लस कितना है, H2O. तो हेयर वी हैव कॉपर, देखो कॉपर ऑक्साइड है तो कॉपर ऑक्साइड क्या करेगा, ऑक्सीजन को हटा रहे, रिमूव हो रहे है ना. अगर रिमूव होता है तो इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन हो रहा है. क्या हो रहा है ये, रिडक्शन. H2 को क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है तो यहाँ कहेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है तो इसी को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन और इसको बोलेंगे रिडक्शन. ठीक है आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी. ठीक है कि हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दोबारा देख लो है ना, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है ऑफ हाइड्रोजन. दूसरा हमने कहा रिडक्शन, रिडक्शन इज व्हाट, इट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन राइट एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन राइट. गॉट इट. नाउ हियर व्हाट वी लर्न, अगर इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में आ जाए तो मैम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट, और रिडक्शन इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है राइट ओके. सो रिवाइज दिस, टेक केयर, बाय बाय.